नमस्कार, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह को। आज के खास वीडियो में खैनी, ये खैनी जो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं नशे के तौर पर, वो सावधान हो जाए। खैनी से भले ही आपको थोड़ा मानसिक कष्ट दूर हो सकता है, लेकिन दूसरे बीमारी आपको बहुत ही खतरनाक तरीके से आपके पूरे बदन को ग्रस्त करके नाकामिल बना सकता है। खैनी से आपको धीरे धीरे कुपोषण होना शुरू हो जाता है। खैनी जो खाने के बाद में अपना शारीरिक ध्यान यानी शरीर पर केयर करना बिल्कुल आप छोड़ देते हैं। जब आपको भूख लगती है या कुछ चीज़ खाने का मन करता है, यानी आपको थोड़ा एनर्जी लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसके जगह पर खैनी खा लेते हैं और खैनी से ही काम चला लेते हैं, जिसका वजह होता है कि बड़े भयानक बीमारी आपको हो सकता है। खैनी खाने से आपको 3-4 किस्म का आपको बीमारी हो सकता है। खैनी खाते हैं तो उसे आपका ध्यान तो इधर उधर नहीं जाता है, आप समझते हैं कि हमने खैनी खाकर अपने रोग के ओर से मुंह मोड़ लिए हैं और उसे आप देखना नहीं चाहते हैं। आपको तरह तरह का यदि खाना, आप हेल्दी खाना नहीं लेंगे, पौष्टिक खाना नहीं लेंगे, तो आपको बार बार कुछ ना कुछ खाने का मन करते रहता है। यदि आपका पेट सही से भर जाएगा तो आपको कुछ खाने का मन नहीं करेगा। यदि आप खाना को ही सही समय से लें तो आपके खैनी जैसे घातक नशा से आप मुक्त हो सकते हैं। यदि आप उसके बाद भी खैनी खाना नहीं छोड़ते हैं तो कुष्ठ रोग जैसे और सफ़ेद दाग जैसे भयानक बीमारी से आप ग्रस्त हो सकते हैं। कुष्ठ रोग और सफ़ेद दाग और खून के कमी होने के वजह से आप टीबी या अन्य घातक बीमारी से आप ग्रसित हो सकते हैं। यानी आपको खैनी खाने के वजह से मुख्य याग आहार खाना खाना, पौष्टिक खाना खाना आपके मस्तिष्क पर आता है, लेकिन खैनी के नशे के वजह से आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और मानसिक रूप से आप खैनी का गुलाम हो जाते हैं। खैनी ठोकने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे शरीर को ये जहर का काम करेगा। ये कुष्ठ रोग के लिए भी बढ़ावा का काम करता है। कुष्ठ रोग ये आपको कुपोषण से होने वाला बीमारी है, और सफ़ेद दाग जहाँ पर आप खैनी का प्रयोग करते हैं वहाँ पर अत्यधिक चूना होने के वजह से वो चमड़े को नुकसान पहुँचाते हुए ओठ का, आपका निचले ओठ का आपको ये सफ़ेद दाग बना सकता है। खैनी का खाने से दूसरे जगह पर सफ़ेद दाग तो हमको देखने में नहीं आता है, लेकिन जो अक्सर ओठ में लोग जय खाते हैं, ओठ में ही रखते हैं खैनी को, इससे उनको सफ़ेद दाग होने का पूरा पूरा खतरा रहता है। हम कई बार देखे हैं कि जो आपको बैंड बाजा में जो ये कोई म्यूजिक से बड़ा संयंत्र कोई मुंह से रह कर बजाते हैं, पता नहीं उसे क्या कहा जाता है, वो लोग बजाते हैं तो यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसके वजह से उन लोगों को सफ़ेद दाग यहाँ पर पूरे ओठ पर हो जाया करता है। उन्हें भी मालूम है कि ये बाजा बजाने की वजह से, संगीत का एक इंस्ट्रूमेंट बजाने की वजह से ये उन्हें पकड़ा हुआ है। लोग भी समझते हैं कि इनके वाद्य यंत्र का प्रयोग करने से ये ऐसा उन्हें चेहरे पर ओठ पर उन्हें सफ़ेद दाग हो गया है। खैनी खाने वाले व्यक्ति को खून की कमी हो सकता है, जिसके वजह से उनका त्वचा जो है धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है और सेंसेशन सुन होना शुरू हो जाता है और त्वचा का रंग भी बदलने लगता है। खाना खाने का मतलब है कि कोई खाना से नहीं है, जिस खाने में आपको ये विटामिन सी आपको नहीं मिलेगा, जैसे संतरा हो गया, आंवला हो गया, नींबू हो गया, यानी कोई भी फल है वो यदि खट्टा है
तो उसमें विटामिन सी अवश्य पाया जाता है, जो चमड़े की बीमारी के लिए यानी कुष्ठ रोग के साथ साथ अन्य चमड़े की बीमारी में भी बहुत अच्छा काम करता है और विभिन्न तरह के बीमारी शुगर, हार्ट, बीपी, कोलेस्ट्रोल, यहाँ तक आँख की रोशनी तब और कान का धीरे धीरे समय के अनुसार अगर कान अगर सुनने में आपको कान से कठिनाई होती है तो वो तो बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत कम समय में आपको कम सुनाई दे रहा है तो वो भी एक तरह का आपको कुपोषण ही है। कुपोषण से बचाने के लिए अपने को हेल्दी रिच डाइट लेनी चाहिए। फल फ्रूट्स, मीट मछली, अंडा सभी का प्रयोग आपको करनी चाहिए। यदि आप खैनी खाते हैं तो उसी से आप संतुष्ट होकर आप फल फ्रूट छोड़ देते हैं। थोड़ा सा जितना आप खैनी खा रहे हैं उतने ही मात्रा में आप काजू खाएं, किशमिश खाएं, पिस्ता खाएं, अखरोट खाएं, तो आपके बॉडी का नज़रिया ही बदल जाएगा। यदि कुष्ठ रोग आपको हो गया है तो सर्वप्रथम आपको हेल्दी खाना खानी चाहिए और थोड़े से मात्रा में आपको काजू, पिस्ता, बादाम और ये आपको ये किशमिश, किशमिश में भी विटामिन सी रहता है, ड्राई फ्रूट का आदत लगाइए और कुष्ठ रोग से मुक्ति पाइए। यदि आप कुष्ठ रोग से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको ये आदत को बदलनी पड़ेगी। हम ये नहीं कहते हैं कि आज हमारा वीडियो देखे और कल से ही आप ये खैनी खाना छोड़ दे, नहीं, आपको धीरे धीरे छोड़नी चाहिए और जो आप खैनी खाते हैं उसके जगह पर सौंफ का प्रयोग कीजिए अथवा आप काजू, किशमिश, पिस्ता, अन्य कोई भी चीज़ उतने मात्रा में खाइए, खैनी के बराबर ही आपको महंगा पड़ेगा। खैनी में जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसे किशमिश में आप इन्वेस्ट करें और खा कर देखें और दो किशमिश खाएंगे तो आपका पानी पीने का मन करेगा और जल का पूरा मात्रा आप में रहेगा। इस तरह से जो शरीर है आपको डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी आपको कभी नहीं होगा और दस्त की बीमारी और उल्टी की बीमारी भी आपको नहीं होगी। खैनी छोड़ देने का आपको बहुत फायदा होने वाला है। एक तो शरीर आपको गठीला, चमकीला और मांसपेशियों से भरपूर हो जाएगा। यदि आपका हड्डी हड्डी दिखाई देता है वो भी आपको धीरे धीरे भरने लगेगा और जो मुंह का कैंसर होता है इसका हमने परिणाम देखा है, मुंह में कैंसर होने का मुख्य कारण ये गुटखा ही है, खैनी ही है। इसका यदि आप परिणाम सोच लेते हैं तो खैनी खाने का आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको परिणाम इसका खाली दिमाग में रखिए। इसमें कुएं में कूदकर मौत होते हुए हमने खतरनाक हादसे को देखा है। भगवान ना करे कि आप लोगों को खैनी की वजह से एक दिन ऐसा स्टेप आपको उठानी पड़े। तो खैनी खा रहे हैं उसके जगह पर आप किशमिश का प्रयोग कीजिए तो इसमें कुष्ठ रोग में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। कुष्ठ रोग कुपोषण का एक तरह का मामला बनता है। जिनका अच्छा भोजन रहता है लेकिन दूध दही तो लेते हैं लेकिन फल फ्रूट्स वो लोग नहीं ले पाता है। बहुत अच्छा खाने के बाद में हरा सब्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है और हमने पिछले वीडियो में साबुन अन्य बहुत सारे चीज़ कुष्ठ रोगी के लिए हम बताए हैं। भोजन में उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं लेना चाहिए जिससे कि पेट खराब हो जाए, जिसमें पौष्टिकता नहीं मिले। जैसे आपको सतुआ हो गया, चिवड़ा हो गया, अन्य कोई भी विकल्प जो खाना का आप ले रहे हैं, बिस्कुट ले रहे हैं या आप कोई भी चीज़ से उसका विकल्प के रूप में आप ले लेते हैं जो कि हेल्दी नहीं है, तो कुष्ठ रोग होने का आपको खतरा ज़्यादा होता है और कुष्ठ रोग हो जाने पर आपका ठीक भी नहीं होगा। कुष्ठ रोगियों को खैनी से आपको जितनी जल्दी हो वो दूरी बनानी चाहिए और फल और मार्केट में फल से आपको संतुष्ट रहना चाहिए और उसके जगह पर फल फ्रूट का आपको प्रयोग करनी चाहिए। आप देख रहे हैं YouTube चैनल GSMP क्लिनिक एंड न्यूज। कुष्ठ रोगी को
हमेशा सतर्क रहनी चाहिए और नारियल का तेल यानी सूज तेल उनको वो प्रयोग करते रहनी चाहिए। और हमने पिछले वीडियो में चलमोगरा तेल के बारे में भी हमने बताया था। कुष्ठ रोग जिन्हें हो गया है उनका दिमाग यानी मानसिक संतुलन या याददाश्त की कमी भी हो सकता है और आँखों का रोशनी भी ख़त्म करने लगता है। कुष्ठ रोगी को पहले आपको स्किन पर चमड़े पर आता है, उसके बाद नस पर आता है और हड्डी पर अटैक करके धीरे धीरे हड्डी भी गलना शुरू हो जाता है। कुष्ठ रोग की पहचान हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कुष्ठ रोग शून्य जहाँ पर हो आपको वहाँ पर चिट्टी या अन्य कोई भी अल्पीन पेन कलम किसी भी चीज़ से नाखून से आप वहाँ पर हला कर अपने से आप टेस्ट कर सकते हैं। यदि वहाँ पर किसी भी तरह का सेंसेशन नहीं है, शून्य लग रहा है, तो आपको मानिए कुष्ठ रोग हो गया है। आप MDT खा रहे हैं तो MDT से कुष्ठ रोग नियंत्रण तो अवश्य होता है, लेकिन बहुत सारे मरीज का ये परमानेंट क्योर नहीं कर पाता है। यदि आपको थोड़ा सा दिनचर्या में आप बदलाव करें और होम्योपैथिक दवा खाएं तो आपका कुष्ठ रोग निश्चित रूप से ठीक होने लगता है। और उंगली गिरने के पहले और ये टेढ़ा टेढ़ा जो उंगली हो जाता है इसे टेढ़े मेढ़े उंगली होने से पहले ही यदि आप दवा खा लेते हैं तो आपके लिए बेहतरीन है। और आज से ही आप खैनी को छोड़ दीजिए और फल फ्रूट्स की ओर जाइए। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि 2-4 KG आप लेकर खाना शुरू कर दें, बल्कि आप 50 ग्राम आप अगर आप किशमिश लेते हैं तो बस 2 ही दाना आप खाइए, आंवला 1 ही ठो खाइए, 1 संतरा खाइए, 1 गुआभा अमरूद खाइए, 1 अनार खाइए, 1 गन्ने का रस आप ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं। यानी आपको पौष्टिक चीज़ यानी फल फ्रूट्स विटामिन सी, फल फ्रूट्स में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा मिलता है और त्वचा को लाली बनाए रखता है और उसमें ग्लेजिंग देता है, ओठों की लाली बढ़ती है और त्वचा चमकीला बनता है, स्मार्ट बनता है। यदि आप कुष्ठ रोगी हो गए हैं तभी भी आपको ये जरूरी है, और कुष्ठ रोगी आप नहीं हुए हैं तभी भी फल फ्रूट्स खाना जरूरी है। फल फ्रूट्स खाने से हमारा पाचन शक्ति, लिवर, किडनी, हार्ट, आँख, दांत, जीभ, कान, जितने भी चीज़ आपको है, सारा का सारा शरीर का जितने भी ग्रंथि है, वर्गन है, वो काम करता है बहुत बढ़िया से। तो ऐसा नहीं समझना है, खाना में आपको बैलेंस रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। खाना में आपको दूध, मांस, मछली के अतिरिक्त आपको फल फ्रूट्स, हरा सब्जी का भी उतना ही ध्यान देनी चाहिए। यदि हरा सब्जी पर आप ध्यान नहीं देंगे, फल फ्रूट्स पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपका स्किन का जो कुष्ठ रोग है जल्दी जाने का नाम नहीं लेगा। यदि तमाम तरह का दवा किया जाए और इसके फल फ्रूट्स पर आप ध्यान न दें, खाना पीना को आप बदले नहीं, लाइफ स्टाइल को बदले नहीं, तो आपको फ़ायदा मिलने का चांस बहुत कम हो जाएगा। कुष्ठ रोगियों से मेरा तमाम तरह के वीडियो देखने के बाद आज का वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए है कि खाना पीना इसमें और शुद्ध हवा और जहाँ पर मिट्टी है मिट्टी के घर में आप रहना छोड़ दें और वहाँ पर प्लास्टर कराकर यानी पक्के मकान जैसे भी हो उसे आप वहाँ पर बनाने की कोशिश करें। पक्का मकान छोटा ही क्यों ना हो लेकिन वो भी कुष्ठ रोग को हटाने में मदद करता है। यदि आँख का आपको रोशनी कुष्ठ रोग की वजह से जा रहा है तो इसका अलग से दवा देने के बाद आपकी आँखों की रोशनी लौट जाएगा। MDT खाने की वजह से यदि ओठ मोटा हो रहा है, ये मोटा हो रहा है, ये इतना मोटे होते चला जा रहा है और ये आँख का रोशनी ख़त्म होते जा रहा है और दिमाग कमज़ोर करते जा रहा है, तो इसके लिए भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो होम्योपैथिक दवा कुष्ठ रोग को तो ठीक करेगा ही, आपके त्वचा को और दिमाग के जो स्मरण शक्ति आपको मेमोरी लॉस हो गया रहता है, कुछ भी याद नहीं रहता, आँखों से रोशनी कम हो जाता है, उन लोगों के लिए भी ये दवा कारगर है होम्योपैथी का।
और इसे आपको बहुत अच्छे से कुष्ठ रोग को निदान दिया जा सकता है। पिछले कई वीडियो को हमारा कुष्ठ रोग पर आप देख सकते हैं। ये कुष्ठ रोगी के लिए खाना, ऐसा नहीं समझिए कि फल फ्रूट्स केवल कुष्ठ रोगी ही लेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं, कुष्ठ रोग के साथ साथ बहुत सारे रोगों पर ये शरीर का जो प्रतिरोधी क्षमता है, रोग से लड़ने की जो क्षमता है, ये बेहतरीन देता है। कुष्ठ रोगी को हमेशा सदैव साफ सुथरे वातावरण में और खान पान और डेली स्नान करने से चूकना नहीं चाहिए और डॉक्टर से तुरंत आपको संपर्क करनी चाहिए। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 9807755533 पर आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। कुष्ठ रोगी का स्मरण शक्ति और आँखों की रोशनी का इलाज बहुत आसानी से हो जाएगा। कुष्ठ रोगी को हम देखते हैं कि उनका याददाश्त बहुत कम होता है और दवा खिलाने के बाद में याददाश्त भी धीरे धीरे उनका लौटने लगता है और फल फ्रूट्स बहुत ज़रूरी है इन रोगियों के लिए। बहुत सारे खैनी लोग खाते हैं, आप इसे खैनी तरह करते हैं, थोड़ा सा आप इसे कम कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप कुष्ठ रोगी होना चाहते हैं तो बेशक आप खैनी खाइए, और सफ़ेद दाग भी होता है तो खैनी यदि आप छोड़ देते हैं तो ये तमाम तरह के चिकित्सा करके इसे अच्छा किया जा सकता है। यदि कुष्ठ रोग और सफ़ेद दाग नहीं हुआ है तो आपको खैनी से आपको अवश्य सावधान हो जानी चाहिए, ना हो तो बेटर है, अगर हो गया है छोड़ते हैं तो भी बेटर है, लेकिन आपको कोई बीमारी नहीं है उस समय से ही नहीं खाते हैं तो बेहतरीन है। खैनी खाने से हमारा भोजन जो होता है छूट जाता है और नशे के हालत में हमें खाना अपना जो खानी चाहिए हेल्दी खाना, जिससे सफ़ेद दाग और कुष्ठ रोग से बचाता है, वो आपको बिल्कुल आपको ये दिमाग में नहीं रहता है कि खाना हम नहीं खाए हैं। जब आपको भूख लगती है उस समय आप खाना खा ले, खैनी खा लेते हैं, और ये जहाँ फल फ्रूट से आपको खानी चाहिए थी वहाँ इसे छोड़ देते हैं, जिसका गंभीर परिणाम होता है कि आपको भयानक खून की कमी होने लगती है और सफ़ेद दाग भी ओठ पर बनने लगता है। आज की जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मैं आपके लोकप्रिय यूट्यूब चैनल से तत्काल हम विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। हेल्दी खाना अवश्य खाएँ।